वेलकम बैक टू माई चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और मैं हूँ मुलुन में। मैं एक मॉल में आई हूँ जिसका नाम है आर मॉल। और जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, देयर इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड मधुबन एंड टीम मधुबन हैज एक्चुअली इन्वाइटेड मी एंड माई फैमिली टू हैव डिनर हियर। सो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है वेजिटेरियन बुफे। वॉट गॉट मी एक्चुअली वेरी एक्साइटेड वॉज द थीम ऑफ द रेस्टोरेंट। एज द नेम सजेस्ट मधुबन, आपको एक्चुअली लगेगा आप मधुबन या वृंदावन में एंटर कर रहे हो। द मोमेंट यू एंटर द इंटीरियर्स, इट्स अ मिक्स ऑफ डिवाइन मॉडर्न येट हैज अ लॉट ऑफ पर्क्स ऑफ मधुबन एंड वृंदावन। जैसे आपको बहुत सारी पेंटिंग्स मिलेंगी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, देन यू कैन ऑल्सो फाइंड लाइक बांसुरी, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको थोड़े ही टाइम में दिखाऊंगी। बट यहाँ पे आपको मिलता है बुफे एंड दे आर हैविंग एन इंट्रोडक्टरी ऑफर फॉर लाइक 555 एंड वी आर गोइंग टू हैव वेज बुफे हियर। लेट्स गो एंड ईट, आई एम वेरी हंग्री, कम। सीटेड आपको सबसे पहले मिलती है वेलकम ड्रिंक, तो मुझे यहाँ पे दो दो दी गई हैं। एक्चुअली एक मेरे फैमिली की है, बट हियर आई हैव कैरी पन्ना की ड्रिंक एंड हियर आई हैव अ कोकम शरबत और कोकम ड्रिंक। पहले मैं कोकम का ही पीती हूँ। स्वीट एंड टैंगी, इसमें थोड़ा थोड़ा शरबत भी डाला हुआ है। अभी ये ट्राई करती हूँ मैं, ये भी स्वीट और टैंगी है। दोनों में एक्चुअली शरबत डाला हुआ है, एक में कैरी का शरबत डाला हुआ है और एक में कोकम और रोज का। चलो लेट्स स्टार्ट ईटिंग एंड एज आई स्टार्ट ईटिंग आई विल शो यू यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। सो हियर आई कैन सी सम स्टार्टर, सम चाट, मेन कोर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिजर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी फॉर जैन। तो अगर आप जैन हो तो यहाँ पे आपका एकदम ऐसा सॉर्ट हो जाएगा। आई एम वेरी हंग्री एंड आई कैन सी माई फैमिली हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग हियर। ये देखिए समोसा ये सब लेके आए हैं, चलो हम अपना लेके आते हैं। तो स्टार्टर्स में हमारे पास तीन से चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हैं स्टार्टर्स में, बट लेट्स टेस्ट देम। सो थोड़े से फ्राइड चिप्स, फ्रायम्स ये सब थे। यहाँ पर एक रोल है, सबसे पहले यही खाते हैं। लुक एट दिस, ये आलू का ही रोल है, थोड़ा थोड़ा आई थिंक कैरेट होगा। देन वी आर हैविंग दिस मिंट चटनी अलॉन्ग विद दिस रोल। वैसे आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फैमिलीज कम हियर, इवन इफ इट्स अ ट्यूजडे इट्स प्रीटी पैक्ड और मैं तो काफ़ी जल्दी आई हूँ, सो नाइस थिंग। सॉट वेरी क्रिस्पी और मेनली इसमें सिर्फ आलू की स्टफिंग है, थोड़ा थोड़ा कैरेट और बीन्स भी डाले हुए हैं। इट्स डिसेंट स्टफिंग में कुछ इतना मसाला है कुछ नहीं डाला हुआ है, एकदम प्लेन है, तो कहीं कहीं थोड़ा सा ब्लैंड लग रहा है। बट लेट्स ट्राई दिस समोसा नाउ, एवरीथिंग इज फ्रेश एंड वार्म। ओह वाओ, दिस इज अ पनीर समोसा, सो आई कैन सी सम पनीर एंड कैप्सिकम हियर। दिस समोसा लुक्स परफेक्ट, मिनी समोसा। लेट्स ईट। समोसा एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्रिस्पी है, बट माई फेवरेट पार्ट अबाउट द समोसा इज द स्टफिंग इनसाइड। पनीर डाला हुआ है और थोड़ी सी चीज़, जीरा और थोड़े से मसाले, यमी। मैंने आपको बताया नहीं, बढ़िया चटनीज भी काफ़ी फ्लेवरफुल है, काफ़ी मिंटी, स्ट्रॉन्ग, खट्टी हैं। दिस समोसा इज बेटर देन दिस रोल। वी ऑल्सो हैव खमन हियर। ये जो खमन है इसके ऊपर थोड़ा मसाला, राई विच इज़ मस्टर्ड सीड्स, काजू डाला हुआ है, कैरेट भी, बट दिस इज़ डिफरेंट। और यहाँ पे जो स्टाफ ने बताया दैट दिस इज चॉकलेट खमन। इसका ना टेक्सचर वैसे ओके है, इसका टेक्सचर इज मच बेटर, इट्स लाइक सॉफ्ट स्क्विशी। बट लेट्स ट्राई दिस वन, ऐसा मैंने पहले कभी कुछ खाया नहीं है, तो देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज चॉकलेट खमन। सो इसमें ना चॉकलेट का एकदम हल्का सा टेस्ट आ रहा है, सिर्फ मेरे को फर्स्ट बाइट में आया, बट अदरवाइज ये काफ़ी खट्टा है और थोड़ा सा कड़क है। बट लेट्स ट्राई दिस वन जो रेगुलर खमन है। दिस इज़ वेरी नाइस नाउ, वेरी फ्रेश, परफेक्ट। जो काजू और कैरेट यूज़ किया है इसमें, काफ़ी कमाल का स्वाद आ रहा है। सो द स्टार्टर्स आर वेरी डिसेंट, मुझे ये और ये समोसा सबसे बेस्ट लगा। अभी चलते हैं मेरे फेवरेट काउंटर पे, कौन सा बताती हूँ। आई एम एट माई फेवरेट काउंटर। जब भी मैं बुफेस के लिए आती हूँ, चाट काउंटर इज माई फेवरेट काउंटर एंड आई एम गोइंग टू हैव सम पानीपुरी नाउ। सो हियर इज द पानीपुरी, आलू की स्टफिंग और थोड़ी सेव डाली है विथ टू चटनीज। Mm.
चटनीज परफेक्ट बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स. एक इमली की चटनी है और एक पुदीने की, परफेक्टली मीठी खट्टी हल्की सी तीखी. अंदर आलू चना और मूंग की स्टफिंग है. पानीपुरी एक ऐसा आइटम है ना, यू कांट स्टॉप एट वन पीस, यू हैव टू कीप ईटिंग एंड देन यू रियलाइज शिट कितना खा लिया. हैविंग सम चाट और थोड़े गप्पे मारने के बाद अब वक्त आता है मेन कोर्स खाने का. वैसे मैंने आपको दिखा दिया मेन कोर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ऑल द ऑप्शंस आई शोड यू, देयर्स पनीर की एक सब्जी, देयर्स मूंग, देयर्स तूरी, गुजराती कढ़ी, राजस्थानी कढ़ी, दाल तड़का, खिचड़ी, दो तरीके के राइस, लॉट्स ऑफ स्टफ. तो मैंने जितना मेरी प्लेट ले सकती है उतना लिया है. और ब्रेड्स में देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रेड, वन इज़ अ प्लेन पूरी, मसाला पूरी एंड अ रोटी. सो लेट्स स्टार्ट ईटिंग. वैसे स्टार्टर्स में ऑप्शंस भले ही कम हो, मेन कोर्स में यू हैव सो मेनी ऑप्शंस. एंड व्हाट आई लव इज सब ऐसे इंडियन ऑप्शंस हैं. आपको मेनली गुजराती, राजस्थानी एंड पंजाबी फूड मिलेगा यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट ईटिंग. लेट मी शो यू मैंने अपने प्लेट पे क्या क्या लिया है. देयर इज़ वन थिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. लुक एट दिस. सबसे पहले मैं आपको वही दिखा देती हूँ, आम रस. This is a season of mangoes and here you get unlimited amras. So सबसे पहले मैंने ले लिया ढेर सारा amras जो मैं पूरी के साथ enjoy करूँगी. Then सब्जी में मैंने यहाँ पे एक मूंग मसाला लिया है because I love मूंग. Here we have पनीर. एक वेज कोल्हापुरी भी थी, वो मैंने नहीं ली, बट यहाँ पे मैंने आलू गोभी ली है. आलू गोभी पीस टमाटर की एक ड्राई सब्जी है. Here we have some दाल तड़का. ये है ड्राई फ्रूट पुलाव. Here we have राइस, स्टीम राइस. और यहाँ पे if you can't see, here we have some खिचड़ी. सो लॉट्स ऑफ ऑप्शन. और यहाँ पे हमारे पास ब्रेड्स में ऑप्शन हैं. चलो लेट्स ट्राई. सबसे पहले मैं आमरस और पूरी ट्राई करूँगी. वैसे सैलेड का भी एक सेक्शन है जो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ. लुक एट दिस. ये टाइनी क्रिस्पी गरम पूरी, ये हम खाएंगे आमरस के साथ. किस किस को आमरस और पूरी पसंद है मुझे कमेंट्स में बताओ. सुपर थिक गर्मा गर्म पूरी और ठंडा ठंडा आमरस. वाओ, आमरस इज डिलिशियस. अल्फोंसो मैंगोस का है, सुपर थिक, परफेक्टली स्वीट, वेरी वेरी डिलिशियस. काफ़ी टाइम बाद, आई थिंक एक साल बाद मैं आमरस खा रही हूँ. परफेक्ट टेक्सचर है और काफ़ी मज़ा आ गया एक ही बाइट में. यमी. अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ सेकेंड स्टेपल, विच इज़ सम दाल तड़का एंड राइस. बहुत होमली फील है. घी का मुझे टेस्ट आ रहा है. फिर ये दाल तड़का में जो तड़का है उसमें जो टमाटर का स्वाद आ रहा है, राई का तड़का, वेरी यम्मी, वेरी नाइस, जस्ट हाउ अ दाल तड़का शुड बी. अभी ट्राई करते हैं पुलाव. पुलाव मुझे देखने में लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा मसालेदार होगा, बट ये एकदम परफेक्ट है. इतना स्पाइसी और मसालेदार नहीं है. इनफैक्ट देयर इज पीस, धनिया, ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं, वेरी नाइस. अभी हम खाएंगे पनीर की भाजी विद दीज रोटीज विच आर सोक्ड इन घी. इतना सारा घी डाला हुआ है ना इन रोटीज पे, छोटे छोटे पनीर के क्यूब्स ये ग्रेवी में. लेट्स टेस्ट. काफ़ी ज़्यादा ऑयल और मसाले दिख रहे हैं मुझे, बट लेट्स टेस्ट दिस. ऑयल क्वांटिटी तो डेफिनेटली ज़्यादा है, बट दिस ग्रेवी इज़ अमेजिंग. अनियन टमेटो की ग्रेवी में बनी हुई है. इसमें जीरा डाला हुआ है, मसाले डाले गए हैं, छोटे छोटे पनीर के क्यूब्स विच आर लाइक वेरी सॉफ्ट. ये एक्चुअली पनीर कैप्सिकम है, तो इसमें कैप्सिकम भी डाला हुआ है, उसका एक अच्छा स्वाद आ रहा है. दिस इज़ लाइक नाइस मसालेदार स्पाइसी, डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी ट्राइड. द पनीर इज़ लाइक सॉफ्ट, काफ़ी डिलिशियस है ये. अनियन ये सब आप देखेंगे, काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी है ग्रेवी की. रोटीज भी काफ़ी अच्छी हैं, एकदम हल्की बट घी से पूरी लथपथ. लेट्स ट्राई मूंग नाउ. आई लव मूंग. ये खा के देखते हैं. ये हम खाते हैं ये मसाला पूरी के साथ.
Let's try moong masala. ये मूंग काफ़ी अलग है जैसे हम खाते हैं. टमाटर बहुत सारा डाला हुआ है, जीरा डाला हुआ है, बट वेरी नाइस. आई थिंक वन ऑफ द रीजन इसे मसाला मूंग का है इज बिकॉज टमाटर और थोड़े मसालों को भून भून के फिर इसमें मूंग बनाया है. बट और ये मसाला पूरी, इसमें भी काफ़ी मसाला है. आई थिंक थोड़ा मुझे ऐसी रोटी के साथ खा के देखना चाहिए. ऑल ऑफ दिस इज लाइक अ ट्रीट फॉर मी बिकॉज आई लव देसी खाना. आई लव माई दाल, पनीर, आमरस, मूंग. सो मैं तो काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ. लास्ट थिंग ऑन आर प्लेट, लेट्स ट्राई दिस गोभी विथ खिचड़ी. ये कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं. सो हियर वी हैव गोभी जो टमाटर पीस और मसालों के साथ बनाया गया है. राई भी दिख रही है और ये हम खाते हैं ये खिचड़ी के साथ. यम्मी. इवन द ड्राई सब्जी इज़ वेरी नाइस. पीस, गोभी, मसाले, टमाटर सबका एक अच्छा सा स्वाद आ रहा है विद ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ ऑयल. बट द बेस्ट थिंग इज़ कुछ भी ज़्यादा ना मसालेदार या तीखा नहीं है. एकदम परफेक्ट अमाउंट ऑफ मसाला डाले गए हैं. आई तो एब्सोल्युटली लव्ड इट. अब मैं ये खाने वाली हूँ. एक्चुअली आज के मेरे फेवरेट्स पिक करना थोड़े से डिफिकल्ट हैं बिकॉज आई एब्सोल्युटली एन्जॉयड एवरी थिंग. दर ऑल्सो वन मोर डिश कॉल्ड आलू रजवाड़ी. वो मम्मी बोल रही है कि बहुत अच्छा था. सो घर जैसा बोल रही है. एवरी वन इज़ लविंग द फूड हियर. आई एब्सोल्युटली लव पनीर, आमरस टॉप पे, दाल तड़का, मूंग एंड इवन द पूरी. हमने तो हमारा मेन कोर्स इन्जॉय किया. अब मैं आपको मिलती हूँ सीधा डिज़र्ट्स के लिए. तो हम मेन कोर्स इन्जॉय कर रहे थे कि यहाँ पे हमें टेबल पे मिली ये छास. वही मैं सोच रही थी खाने के साथ कुछ पीने के लिए नहीं है. देन वी केम टू नो यहाँ पे ना एक्चुअली सब कुछ देसी है. एकदम प्रॉपर इंडियन फूड, इंडियन वाइब्स, एवरीथिंग इंडियन. सो हमें मिला है छास. चीयर्स. एक्चुअली मसाला छास है पर काफ़ी पतला है. आई थिंक इसमें ना ज़्यादा नमक नहीं डाला हुआ है. आई थिंक इसमें अगर थोड़ा और नमक होता तो मज़ा आता. बट इतनी ठंडी, इतनी फ्रेश है. वेरी नाइस. आई एम सो स्टफ्ड आफ्टर हैविंग ऑल द फूड. तो मैंने डिज़र्ट में दो ही चीज़ें ली हैं. वैसे चार चीज़ें थी, आमरस, चूरमा, शीरा और श्रीखंड. तो मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल शीरा विच इज़ माई फेवरेट और ड्राई फ्रूट चूरमा लिया है. अभी तक तो एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है. लविंग द फूड, लविंग द वाइब. एक्चुअली लेट्स ट्राई ड्राई फ्रूट चूरमा नाउ. इसे कैसे पूरा आटा, ड्राई फ्रूट, घी, शक्कर डाल के पूरा चूर चूर के कुक करते हैं. भर भर के ड्राई फ्रूट डाला हुआ है, भर भर के इलायची डाली हुई है. इलायची का मुझे इतना ज़्यादा स्वाद आ रहा है. काफ़ी अच्छा खासा स्वीट है ये. बस काजू, घी, इलायची, आटा, शक्कर सब कुछ आपने बनाया. जैसे हम आटे के लड्डू नहीं खाते जो ड्राई फ्रूट और घी के होते हैं, समझो उसको पूरा चूर दिया. एकदम वैसा टेस्ट आ रहा है. इट इज़ वेरी गुड. मैं काफ़ी टाइम बाद चूरा खा रही हूँ, मज़ा आ गया. अभी खाते हैं पाइनएप्पल शीरा, माय फेवरेट पाइनएप्पल शीरा. लेट्स हैव दिस. देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है. एकदम शाइनिंग काजू डाले हुए हैं. लग रहा है इसमें भी इलायची होगी. इसमें जो घी डाला हुआ है ना, क्रेजी क्रेजी अमाउंट ऑफ घी डाला हुआ है. इट्स वेरी नाइस. ये मुझे एक्चुअली फिर भी कम स्वीट लग रहा है कम्पेयर टू चूरा. इसमें इलायची, घी, दैट स्वीटनेस ऑफ पाइनएप्पल, देन ड्राई फ्रूट्स लाइक काजू, सबका अच्छा स्वाद आ रहा है. एंड लुक एट दैट परफेक्ट टेक्सचर. लुक एट ऑल दैट शाइन कमिंग फ्रॉम द घी. एंडेड विद द बेस्ट. बहुत अच्छा लगा. आई थिंक आमरस और शीरा मुझे सबसे बेस्ट लगा डिज़र्ट्स में. एंड यहाँ पे होता है हमारा वीडियो ख़त्म. मुझे तो बहुत मज़ा आया, मेरी फैमिली को भी बहुत मज़ा आया, सबको मज़ा आया, सब ऐसे कर रहे हैं. ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग इट. दिस इज़ वेरी क्विक इम्प्रॉम्प्टू वीडियो. आज हम एक्चुअली शॉपिंग के लिए गए थे, तो आते टाइम हम यहाँ पर आए, तो मैंने सोचा चलो लेट्स रिकॉर्ड अ वीडियो. एंड इफ़ यू एंजॉयड इट प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन. लीव अ कॉमेंट बिलो टेलिंग मी आपने आज जो भी देखा, आपको सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी लगी. लाइक क्या देख के आपको लगा वाओ काश ये अभी हमको खाने के लिए मिल जाता. एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. टुडेज कॉमेंट शाउट आउट गोज टू ऑल दीज लवली पीपल. थैंक यू सो मच फॉर लीविंग अ कॉमेंट. अगर आपको चाहिए कॉमेंट शाउट आउट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लीव अ कॉमेंट बिलो. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन खाओ पियो खुश रहो. बाय. यार नवी समझा कर, रुक जाओ.